इस तो पहला युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अवार्ड जेतु खिडारियां नू रात दे खाने ते सद्या सी। इस मौके उन्होंने खिडारियां नाल उन्हां दे खेडां बारे विचार सांझे कीते। राष्ट्रीय खेड पुरस्कार जेतु खिडारियां ने भी अपनी खुशी जाहर कीती। इन्हां खिडारियां दा मनना है कि ए उपलब्धि उन्हां दी सख्त मेहनत दा नतीजा है। खिडारियां ने कहा कि सरकार वल्लों मिल रहियां सहूलतां नाल उन्हां दा प्रदर्शन होर भी वधिया होवेगा। क्योंकि आप कंपेयर कीजिए ना कि हमारे पहले फैसिलिटीज़ कैसी थी अभी कैसी हैं। पहले प्लेयर्स हमारे गोल्ड मेडल कितने लाते थे अभी कितने लाते हैं, तो वो सारी चीज़ें चेंजेस आपको भी दिख रहे हैं। जो मतलब ये अर्जुन अवार्ड है, ये एथलीट का मतलब सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। और लाइक देयर आर सो मेनी ग्रेट स्पोर्ट्स पर्संस हु हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड, सो आई एम वेरी हैप्पी लाइक आई एम गोइंग टू रिसीव इट। दिस ईयर आई हैव कैंडिडेट्स कमिंग अप इन कनाडा, लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट एंड आई वांट टू विन द टूर्नामेंट। या बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था कि अर्जुन अवार्ड भी मुझे मिल सकता है। मेरा एम यही था कि कंट्री के लिए जितने भी गोल्ड मेडल हो सके, जौन सी भी गेम्स में खेलूँ वो जीतूँ, और अवार्ड्स अगर आप अच्छा करते हो किसी भी स्पोर्ट में तो आपको। मैं सबसे पहले अपने इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो स्पोर्ट्स में लास्ट टाइम कबड्डी में गोल्ड मेडल आया नहीं था, थर्ड आए थे, और अब की बार जैसे हम गोल्ड मेडल एशियन गेम में लेके आए हैं, तो आते ही प्लेयर को अगर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो काफ़ी प्लेयर मोटिवेट होते हैं।